हेलो दोस्तों, आज अभी अभी न्यूज़ हमको मिल रहा है। काफ़ी सारे न्यूज़ है। गूगल प्लान टू बाय 5% स्टेक इन वोडाफोन आइडिया, तो हम आज उसका पूरा आउटलुक देखने वाले हैं। तो पहले हम एक नज़र कर लेते हैं कि क्या न्यूज़ है एक्चुअली। तो आप देख सकते हो बिजनेस स्टैंडर्ड लाइव मिंट में, बिजनेस न्यूज़ में, वोडाफोन आइडिया में ट्रैक गूगल इन्वेस्टमेंट। अभी हाफ एन आवर्स पहले ही न्यूज़ डिक्लेयर हुआ है। आप यहाँ देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया में गूगल 5% स्टेक लेने का बात अभी चल रही है, ठीक है। इसी तरह आप देख सकते 5% स्टेक इन वोडाफोन आइडिया। तो आप यहाँ देख सकते हो ये पूरा लाइव न्यूज़ अभी चल रहा है। दैट द गूगल इज रिपोर्टली एक्सप्लोरिंग टू बाय 5% स्टेक इन फाइनेंशियली स्ट्रेट वोडाफोन आइडिया, अ मूव दैट वुड नॉट ओनली पिट सुंदर पिचाई लीड टेक जायंट अगेंस्ट फेसबुक विच हैज पोर्ड 43,574 करोड़ रुपीज़ फॉर स्टेक ऑफ 10% इन अ जियो। 8 कल हमको एक शानदार तेजी की उम्मीद है। हम 7 का रेट भी देख सकते हैं और आने वाले टाइम में इफ दिस इन्वेस्टमेंट इज सक्सेसफुली प्लेस्ड इन दी वोडाफोन आइडिया देन माइट सी सम सॉर्ट ऑफ गुड मूवमेंट इन दी स्टॉक प्राइस। आप यहाँ देख सकते हो अभी वोडाफोन आइडिया का फुल मार्केट कैप है 16,724, ठीक है। तो उस हिसाब से वो 5% हम काउंट करते हैं तो 800+ का इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है। हम 10% प्रीमियम के साथ भी काउंट करते हैं तो करीबन 900 करोड़ इन्वेस्टमेंट माइट इन्वेस्ट बाय दी गूगल। तो हम उसके बारे में आज थोड़ा बहुत डीप में देख लेते हैं। गूगल आई स्टेक इन वोडाफोन आइडिया रिपोर्ट्स, गूगल इज एक्सप्लोरिंग एन इन्वेस्टमेंट इन वोडाफोन स्ट्रगलिंग इंडिया बिजनेस इन अ मूव दैट कुड पिट द US इंटरनेट ग्रुप इन अ बैटल अगेंस्ट फेसबुक फॉर वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मोबाइल मार्केट अकॉर्डिंग टू द पीपल फेमिलियर विद द मैटर। सो फेसबुक जियो की डील हो गई है तो अभी उसके सामने मतलब स्ट्रगलिंग या तो हम बैटल बोल सकते हैं, तो गूगल इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन वोडाफोन आइडिया। वन ऑफ द पीपल सेड गूगल वॉज कंसिडरिंग बाइंग स्टेक ऑफ 5% स्टेक इन वोडाफोन आइडिया, अ पार्टनरशिप बिटवीन UK टेलीकॉम कंपनी एंड इंडिया आदित्य बिरला ग्रुप दैट हैज बीन अंडर सवेर फाइनेंशियल स्ट्रेन एंड सेज द प्रोसेस वॉज एट अ वेरी अर्ली स्टेज। सो हम एक बार जियो के इन्वेस्टर के बारे में देख लेते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री जियो ओन बाई एशियाज लार्जेस्ट मैन मुकेश अंबानी इज रिसेंटली डन अ फ्यू डील्स विद 10 बिलियन इन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फेसबुक इक्विटी ग्रुप्स इंक्लूडिंग KKR, जनरल एटलांटिक, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स एंड सिल्वर लेक। तो ये सब लोगों की अभी डील हो चुकी है और एक दो डील अभी होने वाली है। और प्लस एडिशन टू दैट रिलायंस जियो इन्वेस्टर वन मोर दैट सेपरेट टॉक्स टू रेज एडिशनल 2.5% फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट दैट इज वेल नोन कंपनी इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर एंड फॉर दैट इज $2 बिलियन अमाउंट इज बींग टेकन केयर। सो आने वाले टाइम में जियो का ये सारा इन्वेस्टमेंट हो चुका है तो इसी तरह गूगल भी आइडिया वोडाफोन में 5% स्टेक यानी 900 करोड़ के करीबन इन्वेस्टमेंट आने वाला है। तो अभी हम देखते हैं रिलायंस जियो का आज की तारीख में फेसबुक के डील के बाद 10% प्रीमियम पे 487,000 करोड़ का है। भारतीय एयरटेल का मार्केट कैप 307,000 करोड़ है और वोडाफोन आइडिया का मार्केट कैप जस्ट 16,724 करोड़ है। तो हम लास्ट 15 या 20 डेज बैक वी हैव सीन लॉट ऑफ एक्टिविटीज फ्रॉम दी टेलीकॉम कंपनीज। रिलायंस जियो हैज इन्वाइटेड मोर देन 8 to 9 इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन दी कंपनी। भारतीय एयरटेल, भारतीय टेलीकॉम द होल्डिंग कंपनी ऑफ भारतीय एयरटेल हैज रिसेंटली सोल्ड 15 करोड़ शेयर्स इन ए 2 डेज बैक ब्लॉक। नेट टू नेट ऑल 3 कंपनीज इज वर्किंग टू कलेक्ट द कैश मैक्सिमम टू फुलफिल द ऑन गोइंग लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी एंड आने वाले टाइम में हमको
उम्मीद है कि ये तीनों कंपनी में कुछ ना कुछ अच्छा न्यूज़ कंटिन्यूस फ्लो होने वाला है और हमारे इंडिया में हम इसी उम्मीद करते हैं कि तीनों कंपनी पूरी तरह कैपेबिलिटी के साथ पूरा ऑपरेशन प्ले करें ताकि बिजनेस में ओलिगोपोली या मोनोपोली की परिस्थिति ना उपजे और आइडिया और वोडाफोन अभी स्ट्रेस बिजनेस कर रहे हैं तो इस अमाउंट की मदद से थोड़ा बहुत लिक्विडिटी मिल सकती है और इसी के साथ आइडिया वोडाफोन का भी एक री रेटिंग होने का चांसेस है। तो हमको कल आइडिया और वोडाफोन में स्टॉक्स में 15-20% तेजी की हम उम्मीद रखते हैं और इसी के साथ हम आज का ये न्यूज़ समाप्त करते हैं। थैंक यू।